यात्रा का 35वां दिन है, शाम हो चुका है। राहुल गांधी शाम का आधा काफला पूरा कर रहे हैं और लगातार यात्रा में चल रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में फिर से बारिश हुई है और फिर से ये बारिश झमाझम बरस रही है। मेरे कपड़े आप देख सकते हैं कि किस तरह से कपड़े भीग चुके हैं, मगर राहुल गांधी इस भीगे कपड़े में भी लगातार चल रहे हैं। और आप विजुअल में देख रहे होंगे कि किस तरह से लगातार राहुल गांधी इस बारिश का मजा लेते हुए लगातार चलते जा रहे हैं। 35वें दिन में तकरीबन 800 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला कंप्लीट हो चुका है और अब ये जो काफला है वो हीरे हिल्ली की तरफ चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोगों का जन समर्थन कम होता नहीं जा रहा है और लगातार लोग इस रैली में जो है खुद को अपने आप को समर्पित करते हुए इस पूरे काफले के साथ चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की एक बड़ी महत्वपूर्ण ये भी रही कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मगर उन तमाम एलिगेशन के बावजूद लगातार राहुल गांधी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा कर्नाटका की तरफ से राहुल गांधी की इस यात्रा को कहा जा रहा है कि उनको रीलॉन्चिंग किया जा रहा है, कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद इतना तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी की इस यात्रा की जो प्राथमिकताएं हैं, जो महत्वपूर्णियत है, वो बढ़ती जा रही है। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर राहुल गांधी की इस यात्रा से जो अलग अलग तरह के टिप्पणी, अलग अलग तरह के बयान देते रहते। आज तकरीबन 35वां दिन है, काफला बढ़ रहा है और राहुल गांधी शाम में भीगते हुए अपने तमाम साथियों के साथ आगे चल रहे और कपड़े मेरे देख रहे हैं कि किस तरह से भीगे हुए हैं, मगर लगातार राहुल गांधी का जो समर्थन है, जो राहुल गांधी के साथ जो लोग चल रहे हैं उनका जो काफला है वो कम नहीं हो रहा है। और लगातार जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि जिस तरह से देश में अलग अलग धर्म जाते और मजहबों में जो है लोगों का बंटवारा हो गया 2014 के बाद, उसको लेकर उनका मानना है कि फिर से अब यात्रा शुरू होगी और फिर से इस पर बातचीत होगी। हम तमाम काफले के साथ चल रहे हैं और लगातार भीड़ भी चल रही है, सिक्योरिटी वाले जो है पूरा इंतजाम के साथ चल रहे ताकि किसी तरह के कोई लोग जबरदस्ती राहुल गांधी के इस काफले में ना घुसे। हालांकि राहुल गांधी खुद भी ये बहुत सारे लोगों को इशारों के जरिए बुलाते रहते हैं, उनसे मुलाकात करते और तमाम तरह की चीजें जो है शेयर हो रही। कर्नाटका की सड़कें बारिश से भीगी हुई है, मगर शायद इस बारिश के साथ पसीना भी राहुल गांधी का चल रहा है और राहुल गांधी अपने तमाम जो साथियों के साथ इस पूरे मौसम का मजा लेते हुए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट कर्नाटका से, जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।